हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स साइड डिस्कस कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज़ है, देखिए न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट आई है, तो इस पे ये बताया गया है कि इंडिया की जो इसमें रैंक है वो सिक्स्थ है। ठीक है, तो इंडिया जो है दुनिया का सिक्स्थ नंबर का वेल्दीएस्ट कंट्री हो गया है, राइट। तो सबसे ज़्यादा वेल्थ जो है वो US की है, और उसके बाद देखिए चाइना, फिर जापान, और फोर्थ नंबर है UK का, फिफ्थ है जर्मनी, उसके बाद आता है हमारा इंडिया, और फिर उसके बाद आता है फ्रांस, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली जो है वो 10th नंबर पे है, राइट। तो हमारी जो टोटल वेल्थ है वो है 8,230 बिलियन US डॉलर। ठीक है, तो ये पूरा वेल्थ मेज़र कैसे की जाती है, तो इसके बारे में ये बता रहे हैं कि जितनी भी सारी प्राइवेट वेल्थ जो होती है, जो भी इंडिविजुअल हेल्ड करते हैं इन ईच कंट्री, उसको देखा जाता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, देखिए सारे एसेट्स, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, कैश हो गया, एक्विटीज़ हो गई, बिजनेस इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो इसको सारा को इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद उसकी पूरी वेल्थ काउंट की जाती है। ठीक है, और लेकिन इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट जो फंड्स होते हैं उसको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं आप। अगली न्यूज़ देखिए, INS करेंज को लॉन्च किया गया। INS करेंज क्या है, ये स्कॉर्पिन क्लास का एक सबमरीन है। ठीक है ना, तो थर्ड सबमरीन ऑफ स्कॉर्पिन क्लास है। इससे पहले दो ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं, वो कौन कौन से थे, INS कलावेरी और INS खंडेरी। ठीक है, तो INS जो पहला था INS कलावेरी, उसको अभी दिसंबर 2017 में कमीशन किया गया है। इसके अलावा जो सेकेंड है INS खंडेरी, वो उसका ट्रायल चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि उसका जल्दी उसका भी उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा चार और हैं जिनको इंडक्ट किया जाना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 अभी हमने आज ही न्यूज़ में डिस्कस किया था, तो प्रोजेक्ट 75 है जो ये इसका पार्ट है, इसमें सिक्स स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बनाई जानी थी इंडिजिनसली, राइट। तो इसमें ये तीन हो चुकी हैं, INS कलावेरी, INS खंडेरी और INS करेज। इसके अलावा तीन और जो हैं वो कह रहे हैं 2020 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, राइट। और ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो इसको लॉन्च किया गया है, ये मसगांव डॉक जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, राइट। INS करेंज का जो नाम है, ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक INS करेंज था जिसे 2003 में डिकमीशन कर दिया गया था, राइट। इसने 34 साल सेवा की है, और जो 1971 का ऑपरेशन था उसमें भी ये शामिल रहा था, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ देखिए है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है GeM3। तो GeM3 क्या है, GeM3 है दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का थर्ड वर्जन, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। तो इसका जो सेकेंड वर्जन था वो 2016 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया जा चुका है। तो इसका काम क्या है, तो कह रहे कि GeM3 जो होगा ये ऑफर करेगा स्टैंडर्डाइज एंड एनरिच्ड कैटलॉग मैनेजमेंट, इसके अलावा पावरफुल सर्च इंजिन, रियल टाइम प्राइस कंपैरिजन, टेम्पलेट बेस्ड बिड एंड आरए क्रिएशन। ठीक है, इसके अलावा डिमांड एग्रीगेशन, EMD, EPBG, यूज़र रेटिंग, एडवांस MIS एंड एनालिटिक्स एंड मोर। तो अभी आपको नहीं समझ में आया होगा ये क्या है, देखिए अब देखते हैं ये क्या है, अब बताते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करेगा प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बहुत सारे जो वाइस मिनिस्ट्रीज़ या एजेंसीज़ की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको प्रोक्योरमेंट का काम करेगा, तो उसके लिए ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन एनविसेज एज नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ इंडिया, राइट। तो इसका मकसद क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस होते हैं उसमें कैसे ज़्यादा एफिशिएंसी लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की जाए, इसके अलावा कैसे इसको और स्पीडी किया जाए। ठीक है ना, इसको कैसे और इसमें इसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जाए और करप्शन को एलिमिनेट किया जाए, ये सब इसका मकसद है, राइट। तो GeM3 से रिलेटेड और भी चीज़ें देखी है कि इट हैज़ पावरफुल सर्च इंजन एंड प्राइस कंपैरिजन यूजिंग थर्ड पार्टी साइट, मल्टी सोर्स एंड रियल टाइम। ठीक है ना, तो इस पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं इवन थर्ड पार्टी साइट से भी, राइट।
और इसके अलावा इसमें इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो वही सारी चीज़ें होगी। देखिए वही है, ट्रांसपेरेंसी होगी, इसके अलावा ऑपरेट डायनेमिक मार्केट प्लेस होगा, जेनेटिक स्टैंडर्ड स्टेबलाइज थ्रू यूनिवर्सल सर्विस स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी, जो भी प्रोडक्ट होगा उसका स्पेसिफिकेशन और इसका स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिला जुला के ये प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस है, और ये ऑनलाइन क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, तो नेशनल प्रोक्योरमेंट एक तरीके से पोर्टल है ये, राइट। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ देखिए, एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसका इनाग्रेट किया है, राइट। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम है जिसे HPC कहते हैं, या आप इसे सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो इसका नाम है मिहिर। मिहिर इसका नाम क्यों दिया गया है, मिहिर मतलब होता है सन, राइट। तो नेशनल जो सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है नोएडा में, वहाँ पे ये इसको इनाग्रेट किया गया है, राइट। तो ये बेसिकली यूज़ होगा हमारी जो वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग है उसको और इम्प्रूव बनाने में। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का ये लार्जेस्ट HPC फैसिलिटी होगा, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी पीक कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी देखिए है 6.8 पीटा फ्लॉप, राइट, विच हैज़ बिन इंस्टॉल एट टू ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। इसके अलावा इससे रिलेटेड इसके जो काम है देख लेते हैं क्या क्या है। तो वेदर फोरकास्टिंग, इसके अलावा हाई रिजोल्यूशन सीजनल एंड एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्टिंग, वेरी हाई रिजोल्यूशन कपल्ड मॉडल, यही सारी चीज़ें हैं, सुनामी फोरकास्टिंग, एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग, क्लाइमेट प्रोजेक्शन, इन सब चीज़ों को और अच्छे से और स्पीड से और जल्दी कर सकता है। ठीक है, और तो ये सारी है, मिनिस्ट्री याद रखिएगा आप, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मिहिर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और यूज़ किस में होगा इसका, यूज़ होगा इसका आपका वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है ना। देखिए अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 250 बिलियन लोन एग्रीमेंट, राइट। और ये किस लिए साइन किया गया है, ये बेसिकली जो फाइव हमारे स्टेट्स हैं असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल जो है उनकी कनेक्टिविटी को, रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूव ये किस स्कीम के तहत की जाएगी, तो वो स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये किया गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसकी और अदर जो डिटेल्स हैं। तो प्रधानमंत्री सड़क जो ग्राम योजना है वो लॉन्च की गई थी 2000 में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका मकसद है कि प्रोवाइड सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू ऑल एलिजिबल अनकनेक्टेड रूरल विलेजेस, ठीक है ना। तो जो भी अनकनेक्टेड अभी भी रूरल विलेजेस हैं, ठीक है, तो उसको ऑल वेदर सिंगल रोड प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है, और ये फुल्ली फंडेड स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, बढ़ते आगे देखिए अगली न्यूज़ है, विनोद पॉल है, ये नीति आयोग के मेंबर भी है, तो ये कह रहे पहले इंडियन बन गए हैं जिनको एहसान डोगरा मैसी जो अवार्ड है वो इनको दिया गया है, राइट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये अवार्ड है, और ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये दिया गया है इनको जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो यहीं पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन असेंबली हुई, उसमें इनको ये अवार्ड दिया गया, राइट। तो याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। तो ये अवार्ड देखिए फैमिली हेल्थ में ये दिया जाता है, फैमिली हेल्थ में जो भी सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं उनके वो ऑनर किया जाता है, राइट। आइए एक और अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रांस का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया है, और दिया गया है ये सुमित्रा चटर्जी को, एक एक्टर है सुमित्रा चटर्जी 83 ईयर्स के। तो इस अवार्ड का नाम है लीजेंड दी ऑनर, ठीक है ना। तो ये इनको अवार्ड दिया गया है, लीजेंड दी ऑनर सुमित्रा चटर्जी। तो ये सारी थी 31 जनवरी की सारी करेंट अफेयर्स। तो आज के करेंट अफेयर्स में इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।